कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने, चलिए 8 करोड़ के आसपास जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर सर्विस क्लास है उसे भले ही आपने थोड़ा नाराज किया हो, लेकिन 76 करोड़ के आसपास जो देखिए, बाकी मैं लोग नहीं हैं मानता उन्हें 12,000 प्रोटेक्ट किया करोड़ का आपने। रिलीफ बहुत होता है, मैं उसको रिपीट नहीं करता। देखिए, समाज में तीन प्रकार के वर्ग हैं। पहला वर्ग वो है जिसको इतना संपन्न है कि उसको दूसरों के लिए कुछ देना पड़ेगा। दूसरा वर्ग वो है जो संघर्ष करके खड़ा हुआ है, जिसको स्वयं स्वाभाविक रूप से अपनी चिंता है और होनी भी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं। वो और एम्बिशियस है, मेहनत करता है, खुद आगे बढ़ना चाहता है। और तीसरा है जो बहुत कमजोर है। तो ऊपर वाले वर्ग से ज्यादा साधन मिल जाएं तो उस तीसरे वाले की ज्यादा सेवा हो सकती है। और एक दृष्टि से आप और इसका तर्क देखिए, मैं तो मानता हूं कि हर नागरिक की जिम्मेवारी है, जो दे सकता है वो दे वो टैक्स के माध्यम से दे। मुझे क्या मिला? क्या देश की सेना तुम्हारे गार्ड नहीं करती? क्या देश के हाईवेज को आप प्रयोग नहीं करते? क्या आज ये लोग एयरपोर्ट्स को इस्तेमाल नहीं करते जो 125-150 शहरों तक पहुंच रहे हैं एक के बाद एक? क्या जो हेल्थ केयर सिस्टम देश के अंदर बढ़ रहा है, गंभीर बीमारियों में एम्स में या किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर उस सुविधा का हम लाभ नहीं लेते? आफ्टरऑल, चाहे राज्य सरकारें करें या केंद्र सरकारें करें, इस पूरी की पूरी एक जो सिस्टम बनाने की कोशिश देश के अंदर की जा रही है, उसका लाभ भी हर नागरिक उठा सकता है। बिल्कुल।